नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विथ रोनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेकंड कॉल है वो है बॉम्बे डैंग के अंदर। बॉम्बे डैंग के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए, टेक्सटाइल शेयरों के अंदर जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है लास्ट 10 डेज के अंदर से, टेक्सटाइल शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और तेजी और भी बरकरार होने वाली है। और बॉम्बे डैंग के अंदर जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से ही अपने 2 ईयर्स का हाइस पे जा रहा है शेयर। तो उसके ना बात करने से पहले तो चलिए समझते हैं बॉम्बे डैंग करती क्या। बॉम्बे डैंग बेसिकली टेक्सटाइल कंपनी है, तो इनका बेसिकली काम किस किस ना बेडशीट और बाकी कुछ तरह के पॉलिस्टर के प्रोडक्ट होता है उनका मैन्युफैक्चर कंपनी करती है। तो कंपनी के काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स है ना, काफ़ी अच्छा वर्किंग है। अब चलिए समझते हैं शेयर के अंदर चल क्या रहा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आज ये 1.5% की तेज़ी के साथ ही ट्रेड कर रहा है अभी के दिन में, क्योंकि आज 17 जनवरी है और सुबह के 12 बज रहे लाइव मार्केट ओपन है। तो ये ओपन होता है 113.10 रुपये पे, हाई मारा इसने 115.85 रुपये का, लो मारा 113 रुपये का, 52 हाई इसका 121.25 रुपये का, 52 लो है 64.15 रुपये का। 5 दिन के अंदर अभी तक इसने हमारे को 0.79% रिटर्न दिया पॉजिटिव में। 1 मंथ के अंदर अभी तक इसने हमारे को 19% रिटर्न दिया पॉजिटिव में। 6 मंथ के अंदर अभी तक इसने 8% रिटर्न दिया पॉजिटिव में। और ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इसने 4% रिटर्न दिया पॉजिटिव में। कंपनी कब से है? 23 अगस्त 1879 से है, ठीक है। 1879 से कंपनी रनिंग में है। बॉम्बे में इनका हेडक्वार्टर है। बाकी कंपनी का जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर कंपनी है, कंपनी का नाम है बॉम्बे डैंग एंड मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड। अब देखिए इसके अंदर क्या रहा है, एनएससी के अंदर, इसके अंदर कितना ट्रेड उठ लिया अभी तक, कितना वॉल्यूम उठा लिया गया है वो समझते हैं। तो देखिए इसके अंदर अभी तक इसके अंदर 11 बजे तक के अंदर, क्योंकि 12 तो अब बजने वाले हैं, बट 11 बजे तक इसमें देखिए 17 जनवरी 11 बजे तक इसमें 48% डिलीवरी उठा ली गई है। 48% डिलीवरी उठाना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी शेयर के अंदर, यानी कि मिड हाफ के अंदर आपका 48% डिलीवरी उठाना बहुत बड़ी बात है। अब जैसे तो मार्केट गैप समझते हैं, तो इसका मार्केट गैप है 2372 करोड़ रुपये का। स्टॉक ROC इसका चल रहा है 0.6% का। बुक वैल्यू इसकी माइनस में चल रही है 18 में, और फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये की है। बाकी रिटर्न ऑफ इक्विटी अपडेट नहीं हुई है। कंपनी क्या कर रही है, बस क्वार्टर क्वार्टर वाइज रिजल्ट अच्छी दे रही है, और कोई इंडिकेशन अभी इसमें नहीं दिख रहा है। अब देखिए बॉम्बे डैंग टिकर टिप के साइड पर टेक्सटाइल कंपनी है तो क्लियर है, बाकी लास्ट ईयर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, ये रिवाइव। बाकी अब जिस जैसे Q3 का रिजल्ट आएगा उसमें आपको फिर से अपडेट दूंगा, फिर से न्यू टारगेट दूंगा। बट अभी हाल फिलहाल के जो टारगेट दिख रहे हैं मेरे को रिजल्ट से पहले के, वो समझते हैं। देखिए मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है, तो डेली चार्ट पे क्या इंडिकेशन आ रहा है वो समझते हैं। ये देखिए डेली चार्ट पे लास्ट, यानी कि लास्ट 4 वीक से लगातार शेयर अब ट्रेंडिंग की तरफ जा रहा है, और डेली चार्ट पे एक इंडिकेशन अलग से नज़र आ रहा है। ये डेली चार्ट पे देखिए, डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आने का 200 डेज़ के एमओ को जैसे ही क्रॉस आउट करेगा तो और तेज़ी देखने को मिलेगी इसमें। 200 एमओ क्यों बोल रहा हूँ एवरेज मूविंग के क्रॉस करने की, क्योंकि ये शेयर अभी 2 ईयर्स के हाइस पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। तो देखिए अगर अभी भी आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 110 के स्टॉप लॉसेस से बाय करके चलिए, क्योंकि 110 पे ये सपोर्ट अच्छी खासी है। क्योंकि ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, और कल भी जो एक इसमें पैराशूट कैंडल बन के खत्म हुआ लास्ट वीक, तो अब इसमें जो बुलिश कैंडल जो बन रही है इस वीक, तो काफ़ी तेज़ी को इंडिकेशन करने वाला है। तो MACD पे देखिए, ये MACD पे अप ट्रेंडिंग चल रहा है, RSI हमारा 65 के अबव चल रहा है, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बाइंग चल रहा है, तो ये भी इंडिकेशन देख रहा है। और देखिए आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ, एक तो ब्रेकआउट ये दिखने वाला है 200 MO क्रॉस जैसे करेगा तो और तेज़ी देखने को मिलेगी इसमें। तो 110 का स्टॉप लॉस लेके चलना हमारे को, अभी भी आप फ्रेश बाइंग इसमें कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे एक नैरो करेक्टिव हो के बाद, ये देखिए ये शेयर 10 जनवरी 2019 के अंदर इस लेवल पे था, तो 2019 के अंदर इस टेरिटरी के अंदर जब शेयर जाएगा तो इसके अंदर 140 150 तक के टारगेट आपको इजी दिख जाएंगे, 140 तक के लेवल आपको इजी दिख जाएंगे 10 से 15 दिन के अंदर, क्योंकि शेयर इस टेरिटरी के अंदर आ चुका है। अब ये इस टेरिटरी के अंदर शेयर आने के बाद इस टेरिटरी का जितना हाई है, यानी कि 159 का जो हाई है, 149 का हाई है, उसको हाई को जल्दी ही ब्रेकआउट करेगा, और जो भी टेक्सटाइल को लेकर अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसका इंपैक्ट भी शेयर पर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इसका वीकली डेली चार्ट पे। तो देखिए डेली चार्ट पे जो इंडिकेशन अलग ही नज़र आ रहा है इसके अंदर, डेली चार्ट के ऊपर एक करेक्शन के बाद कल के दिन जो इसमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी और आज जो बुलिश कैंडल बन रही है, देखिए कल के दिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, आज जो बुलिश कैंडल बन रही है, तो यहाँ से जो अपना पहला टारगेट आने वाला है, तो यहाँ से जो अपना पहला टारगेट है 120 का है, पहला टारगेट अपना 120 का है यहाँ से,
दूसरा टारगेट 125 का, तीसरा टारगेट 130 का। वैसे मैंने आपको 149 तक के टारगेट बता रहा हूँ, बट शॉर्ट टर्म के लिए 10 से 15 दिन में आपको 130 तक के लेवल इसमें इजी दिख जाएंगे। देखिए आज का इसका हाई है 115 रुपये का, मगर मेरा मानना आप इसमें अभी भी बाई कर सकते हैं 110 के स्टॉप लॉस से। तो पहला टारगेट 120 का, दूसरा टारगेट 125, तीसरा टारगेट 130 रुपये का, क्योंकि जो हर्डल बना हुआ है 121 पे, जैसे 121 ब्रेकआउट करेगा तो और तेजी दिखाएगा, और इसका 52 हाई है 121, तो 121 का तोड़ने के बाद 130 के लेवल ईजी दिखाएगा। तो मेरा टारगेट यहाँ से 52 हाई को ब्रेक करने को तैयार बैठा, क्योंकि करेक्शन के बाद शेयर अब ट्रेंडिंग तरफ आ चुका है और डेली चार्ट पे कोई इंडिकेशन नहीं गिरावट के, तो डेली चार्ट अप ट्रेंडिंग दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी भी अगर है तो आप होल्ड रखिए 130 तक के लेवल के लिए, क्योंकि 130 के बाद 140 के बीच में करेक्शन आएगी, बाकी मुझे लगता है यहाँ से अपना 52 हाई तोड़ेगा और अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।